जीएसटी लागू होने के बाद दिल्ली में लोग दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। कई मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की सप्लाई कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर दवाओं की सप्लाई कम कर रहे हैं। अब मरीज के परिजन परेशान हैं कि आखिर उन्हें दवा कहां से मिले। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के देवदत्त शर्मा बेटी की दवाई के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकने के लिए मजबूर है, लेकिन कहीं भी उन्हें बेटी के इलाज के लिए लिखे डॉक्टर की दवा नहीं मिल पा रही है। इनकी बेटी का इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चल रहा है। डॉक्टर की लिखी गई दवाई नहीं मिलने से देवदत्त शर्मा काफी परेशान हैं। दवा दुकानदार इन्हें लिखी गई दवाई का सब्स्टिट्यूट लेने को कह रहे हैं। दवाई खत्म हुई, अभी परसों में डॉक्टर के पास गया, दवाई दोबारा उन्हें रिन्यू कराई है। मैं पूरा इसे सराय मेडिकल सफदरजंग हर जगह ढूंढ चुका हूँ, कहीं मिल नहीं पा रही सर। वो कह रहे कि ऊपर से आई नहीं रही, डॉक्टर से चेंज करवा लो। सिर्फ देवदत्त शर्मा ही नहीं, दिल्ली में दवाई की किल्लत से हर दूसरा शख्स जूझ रहा है। आम लोगों की जरूरत की दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। जीएसटी का दवाइयों पर ऐसा असर होगा इन्होंने सोचा भी नहीं था। कम से कम अभी तक तो 20 दुकान मैंने घूम लिया, ये दवा कहीं नहीं है। इनको ये बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी है ही नहीं, आप या तो दे दो फिर शाम को ले जाओ, या तो कल सुबह आके ले जाओ, मेरे पास अभी है ही नहीं। दवाई नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त दवाइयां नहीं हैं, लिहाजा ग्राहकों को लौटाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। दुकानदारों की दलील है कि जीएसटी लागू हो गया है, इस वजह से टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, लिहाजा दवा डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दवाइयां सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, कमी हो गई है, पीछे से बहुत कम स्टॉक आ रहा है, क्योंकि मेन चीज है एचएसएन नंबर नहीं मिल पा रहा लोगों को, एचएसएन नंबर की मेरे बिलिंग नहीं कर पा रहे। अगर वो बिलिंग नहीं करेंगे तो माल पीछे से देंगे नहीं, और वो इस वजह से हम जब माल नहीं आएगा जाहिर सी बात कस्टमर को मिलेगा माल कैसे। दवाइयों की कमी की वजह से लोगों को अपनी दवाएं बदलनी पड़ रही हैं, या फिर दवा आने का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद दवा दुकानों में दवाओं के स्टॉक में कमी आ गई है, जिसकी वजह से आम लोगों को जरूरत की दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दवा विक्रेताओं की माने तो उनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें दवाई की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इन डिस्ट्रीब्यूटरों के ऊपर कब तक नकेल कसती है, ताकि आम लोगों की जरूरत की दवाइयां उन्हें मिल सकें। कैमरा पर्सन मुकेश सांकला के साथ संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।